ये देखिए हमने मटर ली थी 1 कप और ये हमने रात भर के लिए भिगो दी थी, अच्छे से भीग चुकी है। इसे हम कुकर में डालेंगे, ये देखिए कुकर में डाल देंगे, ये देखिए इसमें पानी डाल देंगे। ये हमने 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब इसमें हल्दी डालेंगे छोटी चम्मच आधी, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। ये देखिए कुकर हमने बंद कर दिया है, इसमें 4 सीटी लगा लेंगे जो कि मटर अच्छे से उबल जाए। ये देखिए मटर हमारी उबल चुकी है, इसे थोड़े इस तरह मसल मसल के इस तरह मिला लेंगे। ये देखिए तेल गर्म हो चुका है, इसमें अब हम जीरा डाल देंगे छोटी चम्मच और ये हींग डालेंगे। लाल मिर्ची डाल देंगे आधी चम्मच, इन्हें मिला लेंगे, थोड़ा भून लेंगे इस तरह। ये देखिए इसमें मटर डाल देंगे अब, थोड़ा इसे मसल देंगे इस तरह रगड़ रगड़ के, इसका रगड़ा बना देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं इसको। ये देखिए थोड़ी देर हमने पका लिया है इसको और इसे बंद कर देंगे। ये देखिए हमने 4 आलू ले लिए हैं इस तरह फोड़ के अच्छे से। अब इसमें हम ये आम पाउडर मिला देंगे, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और ये कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं, अरारोट भी डाल सकते हैं, जैसी भी आपके यहाँ सुविधा हो वैसा डालें। थोड़ा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्ची और इसे मिला लेंगे। ये लाल मिर्ची डाल देंगे थोड़ी सी, ऐसे मिला लेंगे। अब देखिए इसके हम टिक्कियां बना लेंगे। इस तरह से ये देखिए इस तरह हमने टिक्की बना ली है, इन्हें हम पेटिस भी बोलते हैं। रगड़ा पेटिस बनके तैयार हो गई है। ये देखिए तेल गर्म हो चुका है, इसमें ये पेटिस रख देंगे और सेंक लेंगे इन्हें। ज़्यादा कुरकुरा नहीं सेंकना, क्योंकि ज़्यादा कुरकुरी नहीं सेंकी जाती हैं इसमें। ये देखिए हमने सेंक लिए हैं पलट के दोनों तरफ, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह हमने प्लेट ले ली, आप चाहे इस तरह ले ले या इस तरह, जो भी मन करे प्लेट लेके। अब हम ये इसमें पेटिस रख देंगे, ये देखिए इस तरह। ये देखिए इस तरह लगा ली है। अब हम इसमें ये रगड़ा डालेंगे थोड़ा सा पहले, ये देखिए इस तरह। अब इसमें प्याज डालेंगे थोड़ा सा काढ़ा नमक, थोड़ा सा भुना जीरा और हरी मिर्ची और ये टमाटर इस तरह डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया। अब हम थोड़ा सादा नमक डालेंगे, नमक
रगड़ा में भी पड़ा है तो थोड़ा ही डालें, और ये इमली की चटनी डाल देंगे इसमें खट्टी मीठी। अब इसमें रगड़ा और डालेंगे अभी ऊपर से, ये देखिए इस तरह। थोड़ा सा प्याज और डाल देंगे, ये देखिए इस तरह प्याज डाल देंगे। थोड़ा सा दही डाल देंगे इसमें, ये देखिए, और डालेंगे चटनी थोड़ी सी खट्टी मीठी वाली। और ये थोड़ी सी भुजिया डालेंगे हम, और हरा धनिया, ये देखिए इस तरह। ये देखिए थोड़ी हरी मिर्ची डाल देंगे, और ये देखिए रगड़ा पेटिस हमारी तैयार है। ये देखिए दोस्तों रगड़ा पेटिस बनके तैयार हो चुकी है। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।